दोस्तों, चाहे आपके पास कितना ही अच्छा डिवाइस हो या फिर चाहे आप कितने ही अच्छे नेटवर्क में बैठे हो, लेकिन आपको पिंग हाई की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा जाती है। जब भी आप गेम प्ले करते हो, आप ग्लूवल लगाते हो, काफ़ी ज़्यादा लेट लगती है और आपका जो पिंग है 200, 300, कभी कभी तो 99 प्लस भी बार बार होते ही रहता है। तो ऐसा आपके साथ क्यों होता है और इसे आप किस तरीके से सोल्व कर सकते हो, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको हाई पिंग की प्रॉब्लम कभी भी नहीं जाएगी और आप काफ़ी आसानी से आप गेम प्ले कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ सेटिंग यहाँ पर गेम के अंदर की देता हूं, फिर उसके बाद मोबाइल में आपको क्या क्या सेटिंग करनी है जिससे आपका पिंग कभी भी हाई ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फ्री फायर गेम को ओपन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, आपको सेटिंग वाले सेक्शन के ऊपर चले जाना है। सेटिंग वाले सेक्शन के ऊपर जाने के बाद दोस्तों, यहां पर आपको एक नेटवर्क वाला सेक्शन देखने के लिए मिल जाता है और ये हमेशा आपका ऑफ रहता है। तो दोस्तों, आपको इसे ऑन कर लेना है। अब दोस्तों, इसे यदि आप ऑन कर लेते हो तो इसकी मदद से होता क्या है, देखो, हमें कहीं पर ज्यादा नेट लगता है, कम नेट लगता है, कहीं पर किसी का फोन आ जाता है, इसके अलावा कुछ हमारे मोबाइल पर जो भी चीजें वर्क करती है, यदि हम नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन को यहां से ऑन कर देते हैं तो वो सभी चीजों को ऑप्टिमाइज करके, सबसे पहले यदि आप नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन को ऑन कर देते हो तो पहले क्या सीन होता है, जितना भी आपका नेट चलेगा पहले आपके गेम के ऊपर आपका नेट चलने वाला है, उसके बाद ही दूसरी चीजों पर आपका नेट चलेगा। यहां पर इसी तरीके का सीन होता है, यदि आप नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन को ऑन कर लेते हो तो पहले आपका जो गेम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा। गेम के अंदर जितना भी नेटवर्क आपको चाहिए रहेगा, जितना भी वाईफाई का नेट चाहिए रहेगा या आपको जितना भी गेम के अंदर इंटरनेट चाहिए रहेगा, पहले उतना नेट चलेगा, फिर दोस्तों उसके बाद यहां पर क्या सीन होगा कि गेम के बाहर का नेट जाएगा, इस तरीके का सीन है। तो आपको हमेशा जो नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन है उसे हमेशा ऑन रखना है, इसकी मदद से आप काफी आसानी से गेम चला पाओगे और दोस्तों यहां पर आपको पिंग हाई की प्रॉब्लम भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसके बाद दोस्तों, आपको वापस से सेटिंग वाले सेक्शन के ऊपर चले जाना है और यहां की साइड में आप देख सकते हो रिपोर्ट नेटवर्क इशू, और मैं जैसे क्वेश्चन मार्क वाले सेक्शन पर जाता हूं तो दोस्तों, जब भी आपको बार बार पिंग हाई की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है तो आपको बार बार यहां पर सेंड रिपोर्ट वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। अब देखो दोस्तों, यहां पर जैसे आप सेंड रिपोर्ट कर दो तो फ्री फायर की तरफ ये नोटिफिकेशन जाती है कि इस डिवाइस में बार बार पिंग हाई हो रही है। तो दोस्तों, उनके तरफ से जो चीजें पॉसिबल है वो जरूर से करने का ट्राई करेंगे और आपके मोबाइल में जो भी पिंग हाई की प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की जरूर कोशिश करेंगे। ये वाला जो काम है वो फ्री फायर खुद देखता है। तो दोस्तों, आपको इसे रिपोर्ट करते जाना है, जब भी आपका बार बार पिंग हाई होता है तो आपको यहाँ पर बार बार सेंड रिपोर्ट के आइकन के ऊपर क्लिक करते जाना है, इसकी मदद से आपका गेम काफी सही तरीके से चलेगा जो आपको बार बार पिंग हाई का प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर कोई भी पिंग हाई का प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके साथ दोस्तों, कई सारे बंदे ऐसे होते हैं जो कि फ्री फायर तो चलते ही है, उसके अलावा कुछ कुछ चीजें डाउनलोड में लगा देता है और फ्री फायर खेलने लगते हैं, तो वहां पर क्या सीन होता है दोस्तों, वो चीज डाउनलोड होती है तो वो काफी ज्यादा नेट लेती, आप इधर फ्री फायर खेलते हो तो इधर के साइड में आपको काफी ज्यादा पिंग हाई का प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। तो जब भी आप फ्री फायर गेम खेलते हो, आपको कोई भी चीज इंस्टॉलेशन पे नहीं लगाना है या फिर किसी भी चीज को आपको डाउनलोड नहीं करना है। जब भी आप गेम खेल रहे हो, जैसे गेम खेलकर हो जाता है उसके बाद आप सभी चीजें कर सकते हो। बाकी दोस्तों, जब भी आप गेम खेल रहे हो आपको ये सभी चीजें नहीं करना है, कुछ भी चीज आपको डाउनलोड नहीं करना जब भी आप गेम खेल रहे हो और कुछ भी चीजों को आपको इंस्टॉल नहीं करना। और दोस्तों, जब भी आप गेम खेलते हो तो सबसे पहले आपको क्या चीज करना है, जो भी आपके में गेम फोकस मोड ऑन आता है उसे आपको दोस्तों ऑन कर लेना है। गेम फोकस मोड की मदद से क्या होता है कि आइट साइड में जितनी भी एप्लीकेशन चल रही होती है, जो आपका फालतू का नेट खा रही होती है, तो उनको ये बंद कर देती है और केवल आपके फ्री फायर के ऊपर ही नेट चलता है, इस तरीके का सीन होता है। यहाँ पर आपके मोबाइल के ऊपर देखो, जब भी व्हाट्सएप में कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो वो थोड़ा बहुत नेट खा लेता है, उतने समय के लिए हमारा जो पिंग हाई हो जाता है, किसी का फोन आता है उतने समय के लिए हमारा पिंग हाई हो जाता है। तो यदि आप इसे यहां से ऑन कर ले तो आपके मोबाइल में किसी का फोन भी नहीं आएगा, ना ही व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आएगी, कुछ भी चीजें नहीं होगी, आपके मोबाइल में कहीं पर भी नेट नहीं चलने वाला है, नेट चलेगा सिर्फ आपके गेम के ऊपर। तो दोस्तों, जो भी गेम फोकस मोड है उसे आपको हमेशा ऑन कर ही रखना है, फिर जैसे आप गेम काटना रहेगा तो इसे एग्जिट कर देना और गेम को आप काफी आसानी से काट सकते हो। तो गेम फोकस मोड का भी आपको जरूर से ध्यान रखना है और दोस्तों, इसके अलावा आपको अच्छे नेटवर्क में बैठना है। देखो, यदि आप घर के अंदर बैठते हो तो जहां पर अच्छा सिग्नल नहीं मिलता और आप घर के अंदर बैठकर गेम खेलते हो, वहां पर क्या सीन होता है, आपका नेट बार बार कम ज्यादा होता है, या फिर आप किसी गाड़ी में बैठकर भी गेम खेलते हो तो दोस्तों बार बार कहीं पर अच्छा नेट मिलता है, कहीं पर बेकार नेट मिलता है, इस तरीके से होता है, तो वहां पर आपका बार बार पिंग हाई होता है। तो आपको एक ऐसी जगह पर चले जाना है जहां पर एकदम स्थिर जगह हो, मतलब कि दोस्तों आपको किसी भी गाड़ी के अंदर गेम प्ले नहीं करना, चलती गाड़ी है उसके अंदर आपको गेम प्ले नहीं करना, वहां पर बार बार पिंग हाई होता है। और इसके अलावा यदि आपके क्षेत्र में अच्छा नेटवर्क नहीं मिलता और आप घर के अंदर खेलते हो तो वहां पर भी अच्छे से नेटवर्क नहीं मिलता, तो आपको थोड़ा बाहर की साइड में जाकर खेलना है, तभी आपका गेम अच्छे तरीके से चल पाएगा। और दोस्तों, मैंने आपको जो गेम के अंदर की कुछ सेटिंग बताया उनको भी आपको जरूर से ट्राई करना, इन सभी चीजों की मदद से आपका जो पिंग है वो हाई नहीं जाएगा और आप काफी मस्त तरीके से अपना गेम प्ले कर पाओगे। तो ये सभी चीज आपको जरूर से ट्राई कर देखनी है।